नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2023 का जो सबसे जेईई एडवांस 2023 का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जैसे एडवांस के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे जो पहला पोर्शन है वो क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है। अगर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस यही होगा कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ध्यान से देखना कि पहले तो हमें क्वेश्चन में देखो डायग्राम भी दे रखा है, तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको बारीकी से अच्छे से समझते हैं। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक स्लाइडर है। क्या है, एक स्लाइडर। देखो अ स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व सर्फेस विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। तो तुमको देखो जैसे कि फिगर में तुमको दिख रहा है ये छत है, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये तुम्हारा घर है, घर के ऊपर एक स्लाइडर रख रखा है। स्लाइडर का मतलब समझते हो तुम, बचपन में जिस तरह स्लिप करते थे तुम, वो स्लाइडर रखा हुआ है और स्लाइडर पे बॉल है, हम इस बॉल को स्लिप करवाएंगे। लेकिन ये जो स्लाइडर है ना इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा बाबा, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है, इस स्लाइडर पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि स्लाइडर क्या है, फ्रिक्शनलेस है। और ध्यान से एक चीज और समझना, ये स्लाइडर छत के ऊपर रखा गया है और जो स्लाइडर की हाइट है क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कितना है, एच है। क्या है, एच है स्लाइडर की हाइट। और जो छत है उसकी ग्राउंड से हाइट 3h है, मतलब ये जो टेरिस है इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 3h है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक स्फेरिकल बॉल है ऑफ मास m, और स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड ऑन द स्लाइड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेरिस। मतलब टेरिस के टॉप पे जो स्लाइडर रखा गया है इसके ऊपर एक बॉल है जिसका मास क्या है, एम है, और इसको छोड़ा गया है, इसको छोड़ा गया। लेकिन एक पॉइंट और समझना, इज रिलीज्ड ऑन द स्लाइड फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से छोड़ा गया है भाई, रेस्ट से छोड़ा गया। ये पॉइंट को ध्यान से समझो कि इस स्लाइडर को किसी स्पीड से नहीं फेंका है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, जीरो है, मतलब इसको रेस्ट से फेंका गया है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। कहानी क्या है, एक छत है, छत के ऊपर क्या रखा गया है, स्लाइडर रखा गया है, स्लाइडर पे क्या है, एक बॉल है, और बॉल का मास क्या है, एम है, और जो स्लाइडर है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। स्लाइडर की जो हाइट है वो छत से क्या है, एच है, और छत की जो हाइट है ग्राउंड से वो 3h है, ओके। और जो बॉल गिराया गया है उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रिस्ट से इसको छोड़ा गया। अब देखो क्या हुआ, जब बॉल को यहाँ से हम गिराएंगे, मतलब जब बॉल यहाँ से गुड़केगा तो क्या होगा भाई, बॉल यहाँ से गुड़केगा तो नीचे गिरेगा ना। तो देखो क्या हुआ है कि बॉल लिफ्ट द स्लाइड विथ वेलोसिटी यू नॉट। अब यहाँ से जो बॉल की वेलोसिटी है वो यू नॉट हो गई जब वो स्लाइडर को छोड़ रहा है, तब ये कब हो रहा है, जब ये स्लाइडर को छोड़ रहा है तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, यू नॉट हो गई है, ये क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से ये बॉल धराम से नीचे गिरेगी छत से, पहले तो स्लाइडर पे थी, स्लाइडर से स्लाइड करते हुए अब इसको छोड़ते हुए छत से नीचे गिरेगी बॉल। तो जब नीचे गिरेगी बॉल ना और ग्राउंड से, देखो ध्यान से, डिस्टेंस डी पे गिर रही है बिल्डिंग से, क्वेश्चन में समझो, बिल्डिंग से डिस्टेंस डी पे गिर रही है। अब देखो आगे क्या हुआ, कहानी में आगे देखना क्या हुआ। अब गिरने के बाद ये इस पर टप्पा खाती है ग्राउंड पे, मान लो बॉल तो गिरेगी तो टप्पा तो खाएगी, तो टप्पा खाती तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वी हो जाती है। वेलोसिटी कितनी है, वी है, क्वेश्चन में लिख रखा है। और देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, जो कि क्वेश्चन में तुमको अच्छे से दिख रहा है कि एंगल क्या बना रखा है, थीटा बना रखा है। इट बाउंसेस ऑफ विथ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, ओके। और बाउंस बैक करने के बाद ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है वो एच वन अचीव कर रहा है, मतलब टप्पा खाने के बॉल एच वन हाइट तक पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सीन है, एच वन हाइट तक बॉल पहुंच रहा है। फिर क्वेश्चन में चीज और मेंशन कर रखा है, जानबूझ के मेंशन किया है ताकि तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तुमको स्मॉल जी लेना है, स्मॉल जी की वैल्यू रखनी है, मतलब जो एक्सेलरेशन है तुम्हारा स्मॉल जी है। अब एक चीज और समझना है, क्वेश्चन में एक लाइन और मेंशन कर रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3, मतलब कॉलिजन वाला कॉन्सेप्ट भी है, जो बॉल टप्पा खाया है तो वहां पे जो इसको ई से लिखते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये भी क्वेश्चन में मेंशन है 1/√3। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला तुम्हारा स्टेटमेंट ये है कि ये सही है नहीं ये बताना है, बी ये है,
मतलब यू नॉट रूट टू जी एच एक्स है, वी वेक्टर की वैल्यू इतना, थीटा 60 डिग्री है, डी वाई एच वन इक्वल टू 2√3। तुमको ऑप्शन देख के लग रहा हो कि पता नहीं क्या बवाल है, लेकिन देखो ध्यान से, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ सिंपल है। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन कर रखा है कि इधर वाले एक्सिस को तुम्हें एक्स मानना है, इधर वाले को जेड मानना है। तो हम जेड ना मान के वाई मान रहे हैं, क्योंकि जेड में बहुत कन्फ्यूजन होता है अपन को, अपन हमेशा एक्स वाई पढ़ते आ रहे हैं, तो हम वाई मान रहे हैं। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके समझेंगे, ब्रेक करके मतलब इसको तोड़ तोड़ के समझो। तो हम पहला पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, पहले स्लाइडर वाले पोर्शन को अलग से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्लाइडर वाले पोर्शन को, यहाँ तक वाले को हम अलग से स्टडी करते हैं कि यहाँ वाले सीन में क्या हुआ है। तो यहाँ वाले सीन में अगर तुम ध्यान से देखो तो इस बॉल की हाइट जो है वो ग्राउंड से कितनी है, ग्राउंड से नहीं, टेरिस से। हम खाली अभी टेरिस का देख रहे हैं कि छत के ऊपर क्या हुआ कहानी। सबसे पहले जीजाजी छत पे क्या कर रहे थे हम ये समझेंगे, तो छत की कहानी देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, फिर समझते हैं कि नीचे क्या हुआ। तो बॉल का मास एम दे रखा है और हाइट एच दे रखा है, हमें क्या करना है, ये पहले यू नॉट, ये जो वेलोसिटी, ये निकालना है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जब बॉल को कैसे छोड़ा गया, रिस्ट से छोड़ा गया, तो बॉल की जो इनिशियल स्पीड है यहाँ पे वो जीरो है। ये समझ में आया तुमको कि बॉल को कैसे छोड़ा गया, रिस्ट पे। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी में। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्या यूज करेंगे हम, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे भाई, बोलो बोलो, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को तुम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देखना, इस हाइट की वजह से यहाँ पे एक एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो बॉल जिस हाइट पे है ना स्लाइडर पे, इसकी वजह से एक एनर्जी आ गई, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं छत से ही देख रहा हूँ, ग्राउंड से नहीं स्टडी कर रहा हूँ, मैं छत से ही स्टडी कर रहा हूँ। तो क्या मैं इस हाइट को एम जी एच, तो क्या यहाँ पे बॉल की जो इनिशियल एनर्जी वो कितनी होगी, एम जी एच। कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि बॉल का जो टोटल एनर्जी इनिशियल है वो टोटल एनर्जी फाइनल के इक्वल होगा। यहाँ पे इनिशियल एनर्जी देखो, इसके पास एक ही एनर्जी है, एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे यू तो जीरो है, बॉल को कहाँ से छोड़ा गया, रेस्ट से छोड़ा गया है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, खाली पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। अब ये किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी जो है फाइनल वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बॉल जो है इसकी हाइट तो जीरो हो गई। अगर मैं छत की बात करूँ, यहाँ तो है एम जी एच, अगर मैं 3H बात करूँ तो ये तो है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छत की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो, स्लाइडर से नीचे छत पे आ गया, तो ये H जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो यहाँ पे एक ही एनर्जी है, इसके पास वेलोसिटी आ गई है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है, यू नॉट, तो यू नॉट स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से तुम यू नॉट की वैल्यू फटक से निकाल लोगे, यहाँ से एम कैंसिल, ये टू इधर चला जाएगा, तो क्या मैं यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच लिख दूँ, तो यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू जी एच, और ये किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है, तो क्या इसको एक्स कैप मान लूँ। समझ में आ गया, यू नॉट कितना आ गया, रूट टू जी एच एक्स कैप। तो फटाफट से देखो, तो पहला ऑप्शन जो तुम्हारा है क्या दे रखा है, यू नॉट इक्वल टू रूट टू जी एच एक्स कैप। तो क्या ये सही है, ऐसा आ रहा है तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सही है, आ गया समझ में, पहला क्लियर है, ये पहला पोर्शन समझ में आ गया, फटाफट से कॉमेंट कर दो कि पहला पोर्शन आ गया समझ में। चलो अब दूसरा पोर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे पोर्शन को देखो, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का सीन आ रहा है, कौन सा सीन आ रहा है, प्रोजेक्टाइल का सीन। तो हम पहले थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो दूसरा पोर्शन, तो हम बॉल को अब यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, बॉल स्लाइडर से छत पे आ गई है, अब यहाँ से बॉल गिरने वाली है, तो अब यहाँ से स्टडी करेंगे इसको, दूसरे पोर्शन पे स्टडी करते हैं। तो देखो दूसरे पोर्शन में क्या है, दूसरे पोर्शन में क्या है, समझना ध्यान से, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं दूसरे को स्टडी करता हूँ, ये वाला मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हटा रहा हूँ, अब मैं दूसरे पोर्शन को स्टडी कर रहा हूँ, इस वाले का। अब हमें इस वाले का सारा गेम समझना है, तो देखो क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें ये जो यू नॉट है ये हमें पता चल गया कितना है, रूट टू जी एच, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ रूट टू जी एच, ये किसकी वैल्यू है, यू नॉट की वैल्यू है। अब ध्यान से तुम समझोगे, जब बॉल यहाँ से आके यहाँ तक गिरी है, अभी पूरा सीन नहीं देखना है, ये ऊपर वाला सीन नहीं देखना, अभी हम यहीं तक ब्रेक कर रहे हैं, पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक की स्टडी की है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहा हूँ,
अब बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, ये स्टडी कर रहा हूँ। तो देखना यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, 2GH। मतलब बॉल जो नीचे गिर रही है कितने से गिर रही है, 2GH से। लेकिन ये वेलोसिटी कहाँ पे है भाई, खाली एक्स में है, ये समझना, ये वाई में नहीं है। अगर मैं इसको दो एक्सिस में कन्वर्ट करूं तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये वेलोसिटी खाली एक्स में है, वाई में नहीं है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूंगा तो इस पॉइंट पे जो यहाँ पे वाई में इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं यू से ही मान रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा, जीरो है। इस बात को ध्यान से समझो, इस पॉइंट पे वाई में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब बॉल यहाँ पे आई तो क्या एक्स में 2GH है, तो यहाँ भी एक्स में यही रहेगा क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्स में यहाँ भी 2GH ही रहेगा। लेकिन टप्पा खाने के बाद भाई साहब वाई में अलग हो जाएगा। तो मैं अब वाई वाली वेलोसिटी यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वाई वाला कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे काइनामेटिक इक्वेशन। समझ में आया, जो तुम बचपन से 9th से पढ़ते आ रहे हो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, काइनामेटिक इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज करें, देखो जी भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे काइनामेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। समझ में आया, यहाँ पे हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो वी कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम इसके लिए खाली स्टडी करेंगे वाई एक्सिस की, ना कि एक्स एक्सिस की। हमें एक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बस वाई एक्सिस से मतलब है। यहाँ पे हम खाली वाई एक्सिस की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो वी क्या है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी, हमें यही निकालना है। तो क्या यहाँ पे y में इनिशियल यू वाई क्या है तुम्हारा, जीरो। तो क्या ये वाला टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, प्लस a की जगह क्या रखना है तुम्हें, g रखना है। तो यहाँ पे प्लस वन इसका गेम नहीं कर रहा हूँ, सीधा g रख रहा हूँ। और जो s हाइट है वो कितना है, 3h है। तो बिल्डिंग हाइट कितनी है, 3h। तो ये कितना हो गया, 3h इंटू 2 6GH। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी आ गई 6GH। तो वी कितना आ जाएगा यहाँ से, फटाफट से बता दो, वी कितना आ जाएगा यहाँ से, वी आ जाएगा तुम्हारा रूट 6GH। क्लियर में है, क्लियर है एकदम। तो यहाँ पे टप्पा खाने के बाद, जब बॉल टप्पा खाने के बाद में, जब बॉल यहाँ पे टप्पा खाती है तो कितने स्पीड से टप्पा खाती है, रूट 6GH से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बॉल यहाँ पे जब टप्पा खाती है तो कितने स्पीड से बॉल यहाँ पे ऐसे करके टप्पा खा रही है भाई, रूट 6GH से। अब समझना ध्यान से, मैं एक बार और कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे हम भी कलर लेते हैं, ब्लू कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखना, क्या बॉल ऐसे टप्पा खाए तो इधर की तरफ तो जा रहा होगा बॉल। तो ये अगर एंगल थीटा है तो का ये भी एंगल थीटा होगा, क्लियर है, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ, टेन थीटा। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके लिए तुम परपेंडिकुलर देखोगे तो क्या ये रूट 6GH है, जो कि अभी निकाला है फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस की, वाई में कितना आया है, रूट 6GH। और अगर तुम बात करो बेस, तो बेस कितना है तुम्हारा, 2GH, क्योंकि ये तो बदला ही नहीं, तो बेस तुम्हारा 2GH है। इसको काट दो तो 2 3 6 रूट में ही है तो रूट में ही आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना आ गया भाई, रूट 3। और ये किसके लिए होता है, टेन थीटा रूट 3 60 डिग्री के लिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ सी, तो क्या थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो क्या ये भी सही है, हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। फटाफट से कमेंट कर दो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो, फटाफट जल्दी कमेंट करो, लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो, वेरी गुड शाबाश, जिसने लाइक किया हुआ उसका हो जाएगा सिलेक्शन, तुरंत हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, ना कि उसका भी हो जाएगा, आलसी लोग। अब देखो, अब अगला मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ V1। यहाँ पे जो V है टप्पा खाने की बात का सीन है, यहाँ पे जो V है वो टप्पा खाने की बात का सीन है। तो तुम्हें ये अब V निकालना है। अब इस V को निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो ध्यान से। जब देखो पहला, इस क्वेश्चन को तुम बहुत बारीकी से समझना, पहला पोर्शन तुम्हारा ये था स्लाइडर वाला सीन, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया, जो बॉल यहाँ से यहाँ आई तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम काइनामेटिक इक्वेशन का यूज किए। अब यहाँ पे टप्पा खा के जब बॉल ऊपर जा रही है तो क्या कॉलिजन का सीन है, समझो तो तुम, क्या कॉलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, टप्पा खाई फिर बाउंस बैक करके वी स्पीड से जा रही है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन में हम देखो क्वेश्चन में चीज पहले से मेंशन कर रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3। अब हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से लिखते हैं। तो चलो ये करते हैं, तो ई जो तुम्हारा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हम कॉलिजन में पढ़ते हैं, जो कि वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या होता है,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, समझ में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3 पर लिख दो यहाँ पे, फटाफट से लिख दो ई की वैल्यू कितना लिख दो मैं, 1/√3। ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, कि टप्पा खाने के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो हमें यही निकालना है ना, वी टप्पा खाने के बाद की वेलोसिटी, तो हम इसको क्या रख दें, वी रख दें। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि हम ना अब ये जो v है ये दो एक्सिस में होगा, अभी भी समझो ये v दो एक्सिस में होगा, एक x में होगा एक y में होगा, हमें x वाले से मतलब है ही नहीं, हम तो किस में निकालेंगे, y का निकालेंगे। तो चलो हम यहाँ पे इसको वी वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वी वाई, सेपरेशन हम y का देखते हैं। तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टप्पा खाने के बाद ये हमें निकालना है, और जो आया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो कितना है, √6gh। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, √6gh लिख रहे हैं। अब इसको काट दो, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे जो वी वाई की वैल्यू आएगी, अब ये जो 2 है तुम्हारा इधर चला जाएगा, तो क्या यहाँ से जो तुम्हारा वी वाई आ रहा है वो क्या आ रहा है, √2gh। समझ में आ गया, इसको काट दिया 3 से, रूट के अंदर ही है, तो रूट के अंदर ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2gh इधर चला जाएगा, तो वी वाई कितना आया, √2gh। और ये किधर की तरफ आया है भाई, वाई की तरफ आया है, तो वाई को हम क्या मानते हैं, जे कैप, यहाँ जेड माना है तो जेड मान सकते हो, तो तुम्हारा जे कैप वाई की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर तुम ऑप्शन 2 देखोगे तो यहाँ पे देखना √2gh एक्स में भी दे रखा है और जेड में भी दे रखा है, लेकिन होगा क्या, खाली जेड कैप होना चाहिए क्योंकि जेड को हमने वाई माना था, यहाँ पे जो जेड है उसको हमने क्या माना था, वाई माना था, लेकिन यहाँ पे एक्स का भी वाई सीन दे रखा है, तो क्या ये सही है, तो हमें ऑप्शन बी सही नहीं लग रहा है। समझ में आ गया, अब चलो ऑप्शन डी को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी में d/h1 दे रखा है = 2√3। तो अब ये देखो, अब इसमें ना थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल तो ना लग रहा था, अब है प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है कि हमें अब क्या करना है, ये डी निकालना है, ये क्या निकालना है, डी मतलब ये रेंज है, मतलब बिल्डिंग से ये हाइट कितनी होगी ये निकालना है। देखो इस ये निकालने का ना बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला होता है, अगर आप हम क्लास में वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते तब बताते हैं, इस डी को निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि तुम क्या करोगे, यू नॉट ले लो, मतलब वेलोसिटी तुम निकालो एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस की तो वेलोसिटी इनिशियल, ये तुम्हारा यू नॉट हो गया, ठीक है। और कितना टाइम लगा इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में, कितना टाइम लगा वो तुम यूज कर लो, तो ये टाइम निकालने तुम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज कर सकते हो, ये वाला भी, मतलब एस इक्वल टू ut + r/t² यूज करोगे तो टाइम निकल जाएगा, तो टाइम यहाँ पे क्या आया, √2h/g आया, कितना आया, 2h/g। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, d = u0x √2h/g, ठीक है। तो हम ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जब तो कभी क्लास में हम डिस्कस भी करते हैं, बहुत बारी डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो तुम्हारा u0x है, मतलब एक्स एक्सिस में u0 की वैल्यू कितनी है, √2gh, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ √2gh, ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे जो 2h है, यहाँ पे जो 2h है वो कितना होगा बताओ तो हमें, 2h कितना होगा, 2h कितना होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाइट यहाँ पे कितना है, 3h है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 2 × 3h और अपॉन में जी। तो देखना ध्यान से ये जी क्या हो गया, कट गया, और ये देखो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, यहाँ पे d की जो वैल्यू आई है कितनी आ गई, √12h। और इसको मैं d को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँ मैं, 2√3 लिख दूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 2√3h, तो ये d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब d तो आ गया है लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है h1, तो हमें h1 में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो h1 है ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखो टप्पा खाने के बाद की बात है, तो h1 निकालना पड़ेगा। तो h1 निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो देखो इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को देखना है, तो h1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं h1 निकालने के लिए, यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट एक यूज कर लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन का, किसका यूज करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन का। लेकिन जब बॉल यहाँ पे टप्पा खाई थी, तो टप्पा खाने के बाद जब ऊपर गई तो बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, देखो तो √2gh आया था तुम्हारा, अभी अभी तुरंत निकाला है, हाल फिलहाल ताजा ताजा निकाला है, यहाँ पे देखो कितना आया था √2gh आया था, इधर देखो इधर इधर अभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाला था टप्पा खाने के बाद, √2gh आया था, ये दिख गया, टप्पा खाने के बाद जो वेलोसिटी आई थी कितनी आई थी, √2gh, किधर, वाई एक्सिस में आई थी, ये वाली वेलोसिटी वाई एक्सिस में आई थी। अब दिख रहा है जब टप्पा खा के ये बॉल इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी, तो क्या यहाँ पे इस बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल
ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे अगेन मैं काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ए को मैं पहले से ही जी मान लेता हूँ और एस को मैं क्या मान लेता हूँ, एच वन। तुम्हारा यहाँ पे जो वी है वो किसके इक्वल हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है, जीरो के। तो मैं यहाँ पे वी को किसके इक्वल कर दूँ, जीरो, क्योंकि फाइनली इसको क्या है, यहाँ तो जीरो होगा ना, तो इसको जीरो के इक्वल कर दिया। और यू की वैल्यू कितनी है, रूट टू जी एच, तो ये रूट के अंदर में है, तो क्या इसको मैं टू जी एच लिख दूँ प्लस टू जी एच वन। तो अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ एच वन की, तो ये इधर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, इधर, ये इधर चला जाएगा। तो तुम्हारा जो एच वन है, मतलब एच वन जो है वो एच के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया तुमको? अब यहाँ पे देखना, पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं माइनस जी लिख सकता था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, मैं माइनस लिख सकता था। तो ये माइनस की तरफ जाता तो प्लस में आ जाता, तो एच वन इक्वल टू एच आ सकता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम चौथा ऑप्शन जो है हम चेक करते हैं, डी वाई एच वन है, चौथा ऑप्शन क्या है, डी वाई एच वन, डी वाई एच वन। तो डी की वैल्यू कितनी आई है, अभी निकाला है हमने, कितनी आई है, टू रूट थ्री एच, और एच वन की वैल्यू किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो ये एच एच कट गया। तो यहाँ पे जो डी वाई एच वन है वो किसके इक्वल आ गया है, टू रूट थ्री के इक्वल आ गया। तो देख रहा हूँ ध्यान से, तुम्हारा जो चौथा ऑप्शन है क्या मैच कर रहा है, क्या डी वाई एच वन किसके इक्वल आ रहा है, टू रूट थ्री का, समझ में आ गया। तो ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था जो 2023 में आया था। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझना चाहते हो तो एक बार कॉमेंट कर देना नीचे, क्या ये सब अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, तो ठीक है कॉमेंट कर देना। अगर समझ में आया तो, ना आया तो भी कॉमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, और जल्दी हम लाइव भी आने वाले हैं नए नए टॉपिक के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे लाइव में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लाइव में। तो रहने देते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय।